गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। और मैं हूँ लेह लद्दाख के ट्रिप पे, और अभी मैं श्रीनगर पे हूँ। अभी सुबह के 5 बजे हैं। अभी मैं निकल रही हूँ कारगिल तक, और रास्ते में मुझे मिलेगा वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पास इन द वर्ल्ड, जॉर्जिला पास। और अभी सुबह के 5 बजे हैं, सब कुछ रेडी हो गया है, अभी निकल रहे हैं जाने के लिए। से हम निकल रहे थे वहाँ कारगिल तक। अभी थोड़ा सा ये बाइक का रियर व्हील का पंप थोड़ा सा कम लग रहा है, तो पंप दे दिया थोड़ा सा, अभी ठीक है। पहले थोड़ा सा दब दिए थे, इतना लगेज है, अभी यहाँ बांध के रख दिया है। 6 इसमें हवा बहुत कम था ना, पंखा से नहीं पड़ना, पंक्चर हो गया है। अभी कुछ नहीं खाया है, ये खा लेते हैं, फिर हमारे हीरो लग जाएंगे काम पे। अगर हिमालयन लेना है तो ट्यूबलेस कन्वर्जन कर लेना, क्योंकि देखिए हम लोग का क्या हो रहा है, हालत ख़राब हो गया है 2 बार। क्या हो गया? ये ना इसका ये। और অফে হৈ গ'ল চাগে। খুলিব পাৰিলা? কি হৈছে ট্ৰেইন? আজি মই ট্ৰেইনিং লৈ দিওঁ ভাইয়াছে। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? भैया का बुद्धि देखिए, ऐसे लोग जब रहता है ना साथ तो किसी टेंशन नहीं है। टाइम ऐसा है, ओपन भी नहीं है गैरेज कुछ भी, तो ये आ गए हैं कुछ लोग मदद करने के लिए। पहचान के हैं कोई? एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से श्रीनगर से हैं? थैंक यू, आप लोग आ गए हैं हेल्प करने के लिए। फिर से एक बार लास्ट कोशिश करके देखते हैं भैया। फिर वो लोग बता रहे हैं कि व्हील को गाड़ी में लेके ऐसे ठीक करवा के करवाने के लेकर जाएंगे, ऐसे बोले हैं। दिमाग में नहीं आ रहा था कि रॉयल एनफील्ड का सर्विस मिलता है। अभी हम लोगों ने जब कॉल किया तभी भैया ने बोला कि अभी हो रहा है, बोला कि अगर नहीं होता है तो आप लोगों को फिर से कॉल करूँगी, कितने टाइम पे आएंगे बोला, तो उन लोगों ने बोला कि 60 मिनट्स पे आ जाते हैं। हम अभी यही रुकते हैं भैया और मैं, ये दो भाई मिल गया है हम लोगों को यहाँ पे, और सिनमोइडा इसको लेकर जा रहे हैं गाड़ी पे, तो ये फिक्स करके लेकर आएंगे। शुक्र है उन लोगों को मिल गया, असिस्टेंस भी आ रहे थे मतलब रॉयल एनफील्ड का, तो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया वो बात पहले? वो टाइम लगता है ना, तो कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत हार्ड है। हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया था, खुल ही गया था ऑलमोस्ट। हाँ मतलब खुल अच्छा हो कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। हाँ तो तैयार लो यही सो बोना बोले कहाँ पे गया? नीचे सिनमोइडा का कॉल आया था, ट्यूब को चेंज करना पड़ेगा ऐसे कॉल बोला था मैकेनिक ने, क्योंकि नोजल जहाँ है वहीं पे पंक्चर हुआ है, तो जो उसके पास है टायर ट्यूब वो 18 इंच का है, तो हम लोगों का जो है वो 17 इंच का है, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा 18 इंच से, तो अगर हम लोगों को आगे मिल जाएंगे तो आगे चेंज कर लेंगे, तो अभी उसी से ही चला लेंगे काम। यहीं पे रुके हुए थे तो ये बहन की ये स्कूटी ख़राब हो गया था, तो भैया यहाँ मदद कर रहे हैं। आप कहाँ से ऐसे आ रहे हैं? मतलब नहीं, ये ख़राब कब हुआ था? अभी हुआ, यहाँ आने के बाद हुआ। ओके पढ़ा नाई बेलेगक फिक्स कर बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा लगा।
बहुत मदद किया आप लोगों ने, थैंक यू भैया। आप लोगों का नाम बोल लीजिए ना एक बार। कमरान। हाँ कमरान। आपका? हाजिक। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिल के, बाय। खुद का बाइक का हो गया है, मतलब ये व्हील आ गया है अभी अभी, इसका ठीक करने के बाद हम वो लगाएंगे, लगा के हम सीधा चलेंगे। अच्छे से जाइएगा, अभी ये चलाएंगे। अभी यही चला रहे हो? अरे हेलमेट पहन कर चलाओ। এইটো এনেকে এইটো চাইডৰ পৰা ল'ব, এনেকে সোমাই দিয়া, অঁ সোমাই দিয়া, বস। আমি হৈ গৈ সব কুচ হাত ধো লিয়া, চকলেট খা লিয়া হে, আমি আমি কুচ নিকলতে হ্যাঁ। আচ্ছা সে জানা আর পাংচার মত হোনা, বহুত আচ্ছা লাগা। আপনার নাম? উমর। উমর, উমর ভাইয়া ইহাঁ বহুত মদত কিয়া হে উমর ভাইয়া নে। চলো ফির চলতে হ্যাঁ, আমি ফির রাস্তে মে মিলতে হ্যাঁ। अभी हम पहुंच गए हैं कंगन, और कंगन पहुंचने के बाद हम ये खूबसूरत नज़ारे के सामने बैठ के हम ब्रांच खाएंगे, और उसके पास हम निकलेंगे जोजिला पास, और यहाँ से है लगभग 55 किलोमीटर। तो देखिए ना इतना खूबसूरत व्यूज़ है इतना, तो यहाँ बैठ के हम थोड़ा सा नज़ारा देखेंगे, कितना सुंदर है। तो भैया का इंटरकम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो देखने के लिए बोलो। इंटरकम सेट नहीं हो रहा है। अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया सेट कर रहे थे, नहीं हुआ। फौजी का कोई घर नहीं होता, सब जगह का होता है। दिस इज माय फर्स्ट राइड। कहाँ से कहाँ? आई स्टार्टेड फ्रॉम उधमपुर, my हाँ. family is there right now. okay. उधमपुर से डीएचएम बेस कैंप and coming back now. सर को मिला बहुत अच्छा लगा। we are coming from Assam and we are heading to Leh Ladakh. यहाँ से शुरू होती है असली राइड। हाँ मेरा बाइक है नया वो वाला, और उसको लेकर आए हैं यहाँ, इसका नेम सेरेमनी करेंगे लेह लद्दाख पे। You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all 'cause now we know that we can take it. We face it all 'cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it. सोनामर्ग हम पहुंच गए हैं, अभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि वहां ट्रैफिक जाम ज़्यादा है, तो हम इस रास्ते पे जाएंगे। सुंदर नज़ारा है यहां। तो यहां जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां एक टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अभी एक थोड़ा सा ख़राब रास्ता मिल रहा है, पानी जानी है, गाड़ी बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। গাড়ীবিলাক বহুত লাহে লাহে যায় ন, এনেকুৱা ডিষ্টেঞ্চতে যাম। আৰু এখন আহি আছে কিন্তু, ব'লাচোন দাদা। মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ এটা আছে, ৱাও পৰান্দা ভিউ, মৰুৰ পাহাৰী চা, যিতনা ওপৰ চলকে যায়গে হম উতনা কিয় হ'গা পেৰ পৌধা কম হ'গা। এই মজা লাগিলে কি আহি আছে, ৱাটাৰ ক্ৰছিং কাম নাই কি ৱাটাৰ ক্ৰছিং, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী।
অকলে আহিলা পড়া না মই ভাই ফুই আহিলু হয় ও পড়া না ভিউ ये देखिए बर्फ का वाल वहाँ उस साइड में जितना बर्फ़ दिख रहा है ना विंटर में इससे ज़्यादा बर्फ़ रास्ते पे गिरता है। अभी बीआरओ ने इसको काट के बर्फ़ हटा के साफ करके रखा है तो इसलिए वाल दिख रहा है। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट दिख रहा है, जाके देख कर आते हो क्या हो रहा है। नहीं नहीं अगर कर रहे तो बताओ डिस्काउंट में करवाए। সেইটো কৰিব পাৰে আকৌ মোৰ লগত উঠিব নোৱাৰে পগলাকিটা পগলাকিটা লাগেজ লৈ গৈছে পিছফালে এটা মানুহো লৈ গৈছে জি हाँ आगे जाके लगाएंगे जी जी लेह लद्दाख जाएंगे और मनाली अच्छा। के उधर जाएंगे लेह से ऊपर एक और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है कैसे करते हैं। हाँ ऑक्सीजन कैन है साथ में जी। तो अब हम पहुँच गए हैं जोजिला के इस टूरिस्ट के लिए व्यू पॉइंट है। चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है और यहाँ स्नोमोबाइल में सफारी कर रहे हैं लोग। इतना उत्साह इससे एकदम नीचे तक लेकर आते हैं। हम बस देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा फोटो खींचेंगे और थोड़ा सा व्यू एंजॉय करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। मैगी अभी बारिश शुरू हो रहा है धीरे धीरे ज्यादा होने से दिक्कत हो सकता है। जल्दी जल्दी निकलते हैं खाना खा के। अरे स्नोफॉल हो रहा है पहला स्नोफॉल लाइफ का पहला स्नोफॉल। अच्छा भी लग रहा है सर। तू स्नोफॉल बने क्या पूरी से घूम भी जाना है। हिल पहन लेते हैं। साइड दीजिए भैया थोड़ा साइड दीजिए यार। ऊपर डी जाऊंगे कभी भी बहुत मजा आ गया पढ़ना। अभी 0 पॉइंट से हम आगे निकल चुके हैं। पानी दिए क्यों भल लगी से। अभी पहुंच गए हैं जोजिला तप और इसका अल्टीट्यूड है 11,649। 0 पॉइंट से यहाँ पहुंच गए हैं। थोड़ा आगे ये है गेट तो अभी हम कारगिल तक निकले। मेरी मेसी से आप दोनों का लेना है। ओ अच्छा ठीक है। मैं हेलमेट खोल लूँ क्या? नहीं नहीं आप नहीं 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 नहीं
कहाँ से हैं आप लोग? गुजरात से। थैंक यू, मिल के अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? राजस्थान। राजस्थान। ये देखिए जोजिला टॉप का नज़ारा, वहाँ पहाड़ में अगर अच्छे से देखेंगे बकरी ही बकरी, पूरा पहाड़ में बकरी है। इतना सुंदर सा नज़ारा, उधर बर्फीला पहाड़, यहाँ आइल ऑफ जोजिला, इस पे सब लोग फोटो खींच रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा पानी होने से ही मन खुश हो जाते हैं। अभी 100 किलोमीटर लगभग आ गए थे और हैं 100 किलोमीटर बाकी अप्रोक्स। हम डाउनहिल से आ रहे हैं जीरो पॉइंट से। अभी ये नज़ारा क्या ही बताओ, ये तो हेवन है, हेवन। आप देखिए ना भैया, अब ये लाठमढ़ी से घुरा, लाठमढ़ी से ये लोग खेल रहे हैं। ये देखो देखो कैसे जूझते हैं, कैसे फाइट करते हैं घुरा। हमक दिला हमें उड़ी जाम। ये हेवन नहीं क्या है? ये भूस वर्ग है। ये बिस्किट चाहिए मेरे भाई को, ले ये दूसरी। एक कुत्ता ना इसको गाइड कर रहे हैं। बाय। मीना ब्रिज पे एंट्री, कारगिल हम पहुंच गए हैं। मतलब हमें एंटर करें, यहाँ से एंटर करेंगे कारगिल। आगे से जाके द्रास बोल के एक जगह मिलेंगे, द्रास बहुत खास जगह है वो। वेलकम टू लद्दाख। हाँ हम लद्दाख के एरिया में पहुंच गए हैं। ये देखिए पहाड़, एक भी पौधा नहीं है, एक भी सिंगल पेड़ भी नहीं है। ये है लद्दाख के खासियत। मेकुरी पुआली तो बहुत पाले ये पा मेकुरी नहीं कि मारा लो लैसे मानुजे सरु है ना फुट फुट थका लगे देखी पे नहबो पे मेकुरी हो पे। रास्ते में मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं जा रही हूँ द्रास के ओर। और द्रास क्या है? द्रास जगह ऐसा है जो वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट हैबिटेट एरिया है। यहाँ से है 10 किलोमीटर आगे हम जा रहे हैं। किमान असर हो पड़ी ऑक्सीजन लेवल? 86। Do not honk, we are here too. देखिए कौन है, भालू। अभी द्रास में एक कप कॉफी पी लिया है, अभी कॉफी पी के एनर्जी मिल गया है तो फिर से चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल। फौजी के वजह से हमारे देश को जो सही सलामत रख रहे हैं, उन लोगों की वजह से हम सेफ है, साउंड है। तो हमका फर्ज बनता है कि एक बार उनके बारे में भी हम जाने, तो वही जानने के लिए हम आए हैं और आप लोगों को भी हम बताएंगे। 1999 में मई महीने में जब पाकिस्तान के आर्मी ने अटैक किया था, तो इंडिया के आर्मी ने ऑपरेशन विजय, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था। और उस ऑपरेशन में 559 सोल्जर्स शहीद हुए थे। और उसके मेमोरी में ये है ऑपरेशन विजय का ये शहीद वेदी, जहाँ एक दिया हमेशा जलते रहते हैं। और जो रेजिमेंट्स ने हेल्प किया, हर एक रेजिमेंट्स का ये फ्लैग यहाँ रखा हुआ है नेशनल फ्लैग के नीचे। जब हम वहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो तीन बर्फीला पहाड़ आप लोगों को नज़र आए होंगे। तो लेफ्ट साइड में जो है पहले का वो है बाटरा टॉप, मिडिल में जो है वो है राइनो हॉर्न, और लास्ट में एकदम राइट साइड में जो है वो है टाइगर हिल।
वही से पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया था। मेरे पीछे जो हिल दिखाई दे रहा है वो है टोलोलिंग टॉप, और यहाँ तक दुश्मन आ चुके थे और उसका मकसद यही था कि इसके बगल में ही है NH1 जो हाईवे है, इसके बगल में ही था और इसका कनेक्टिविटी उस बंद करना उसका मेन पर्पस था। तो यहाँ युद्ध शुरू हुआ था और उसके पीछे जो है वो है गान हिल्स 5140। ये बूफर्स इंडियन आर्मी ने यूज किया था और ये इस हिल से शुरू हुआ था ये युद्ध। आप लोगों ने मूवी पे कैप्टन विक्रम बत्रा को देखा था जो वहाँ 5140 कैप्चर किया विक्रम बत्रा ने। उसके बाद उसने कहा कि ये दिल मांगे मोर, जो फेमस डायलॉग है, उसके बाद वो गया वहाँ बत्रा हिल। पहले का उसका नाम था 4875, तो वहाँ जाके वो एनिमी से लड़े और उसके बाद उस हिल का नाम रख दिया था बत्रा हिल, वहाँ वो शहीद हुए थे। सर को यहाँ मिल गया हमें, सर बॉक्सर है, नेशनल बॉक्सर, 6.5 साल मैंने शॉर्ट सर्विस। अच्छा, मॉडल भी है, एक्टर भी है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ ही है, और मैम भी है साथ में। यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा आपको। तो हम आ रहे थे तो एक बाइकर्स होमस्टे, बोल के एक होमस्टे मिला यहाँ। कारगिल वार मेमोरियल से 1 किलोमीटर दूर में है ये बाइकर्स होमस्टे, द्रास में है, जो मैंने बोला था आप लोगों को। यहाँ हम लोगों ने बाइक पार्किंग किया है तो रूम है यहाँ। ये भैया ये हो गया, बढ़िया। फ्रेश होने के बाद यहाँ बैठ के ये नज़ारा देख के चाय पीना है, बस मेरा जीवन धन्य हो गया है, इतना खुशी कभी नहीं मिला है मुझे। ये देखिए अभी भी बर्फ का पहाड़ का रीज़न अभी भी है, विजिबल हो रहा है अभी भी। हम लोगों को इसे दे दिया है दीनार के लिए, सिंपल से मांगे थे राइस दाल और सब्जी। बटन ने यही तरह से लगाया हुआ है यहाँ। अब हम खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी जाना होगा।